नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव गर्ग और स्वागत है आपका आज किस वीडियो में, जहां मेरे सामने खड़ी हुई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। जी हां दोस्तों, फाइनली आज मेरे पास टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा आ गई है और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इनोवा का, ये है 2.4 GX 7 सीटर। ये 7 सीटर के साथ आता है और बेस से तीसरा मॉडल है ये, और इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। डीजल के साथ ये आती है ये गाड़ी। बात करें इसकी प्राइस के बारे में तो 19,80,000 रुपये के आसपास की इसकी एक्सोरूम प्राइस है। वहीं बात करें ऑन रोड की तो हरियाणा में ये गाड़ी जो ऑन रोड पड़ती है वो 23 से 23.5 लाख रुपये के आसपास पड़ जाती है। बाकी इसमें आपको एसेसरीज का पैकेज जो लेना होता है वो आप अलग से ले सकते हैं, वो 1 लाख रुपये के आसपास का है, जिसमें कि इसमें मैंडेटरी जो एक्सेसरी हैं जैसे कि फोग लैंप्स वगैरह हैं वो आप अलग से लगवा सकते हैं। इस गाड़ी की लेंथ के बारे में तो आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज लग रही है, 4735 mm की आपको इसमें लेंथ मिल जाती है, वहीं 1830 mm की आपको इसमें चौड़ाई मिलती है। और बात करें इसकी हाइट की तो 1795 mm की आपको इसमें हाइट मिल जाती है। वहीं बात करें इस गाड़ी के व्हील बेस के बारे में तो आपको इसमें 2750 mm का व्हील बेस मिल जाता है। वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5 टन के आसपास आपको इसका इस गाड़ी का वेट मिल जाता है। तो भाई फीचर्स के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको इसकी स्पेसिफिकेशन और ऑन रोड प्राइस वगैरह के बारे में बता दिया है। GX 7 सीटर मैनुअल डीजल के साथ ये गाड़ी आती है। तो भाई बात करते हैं अब इसके फीचर के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्रंट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं ग्रिल के बारे में ही बात कर लेता हूँ। तो सेंटर में आपको ऑल ब्लैक फिनिश के साथ इसकी ग्रिल मिल जाती है जो कि रब ब्लैक फिनिश के साथ है। कोई भी पियानो ब्लैक केस में आपको काम नहीं मिलेगा। सेंटर में टोयोटा का लोगो मिलता है काफ़ी बड़ा सा, जो कि क्रोम के साथ दिया गया है। यहाँ पर आपको साटन सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम का काम देखने को मिलेगा हेडलाइट्स के ऊपर, जो कि ऐसे इसका कवर करता हुआ नज़र आता है हेडलाइट्स के ऊपर। बात करें हेडलाइट्स की तो हेडलाइट आपको इसमें मिल जाते हैं हैलोजन के साथ। इसमें आपको कोई भी प्रोजेक्टर वगैरह ऑफर नहीं किए गए हैं। इसमें आपको लो बीम और हाई बीम पर दोनों पर हैलोजन हेडलैम्प ही ऑफर किए गए हैं। टर्न इंडिकेटर आपको हेडलाइट में नहीं मिलते, वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं टर्न इंडिकेटर, जो कि हैलोजन के साथ ही आते हैं। नॉर्मली यहाँ पर वैसे हमें फॉग लाइट वगैरह देखने को मिलती है अदर गाड़ियों में, बट इसमें हमें यहाँ पर टर्न इंडिकेटर देखने को मिले हैं। और बात करें इसकी फॉग लैंप के बारे में, वैसे तो इस गाड़ी में फॉग लैंप आते नहीं है, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है जो कि फॉग लैंप यहाँ पर लगाए गए, और ये भी आपको इसमें हैलोजन के साथ ही ऑफर किए गए हैं। नीचे की साइड में आपको व्हाइट कलर की स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी, जो रेडिएटर ग्रिल है वो कुछ इस प्रकार से देखने को आपको इसमें मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं इसके साइड लुक के बारे में। साइड लुक में आप देख सकते हैं जो टर्न इंडिकेटर आपको इसमें ORVM पर ही देखने को मिलेगा, और ORVM आपको ड्यूल टोन कलर के साथ ऑफर किया गया है। ऊपर की साइड में व्हाइट कलर की स्टिचिंग है और नीचे की साइड में आपको ब्लैक कलर के साथ मिलता है। और इसमें कोई भी 360 डिग्री कैमरा वगैरह नहीं दिया गया, इसलिए आपको इसमें नॉर्मल मिलेगा। और जो टर्न इंडिकेटर वो आपको LED सेटअप के साथ ऑफर किया गया है। यहाँ पर बात करें इसके टायर के बारे में तो इसमें आपको 16 इंच का ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील ऑफर किया गया है, जिसमें सेंटर में टोयोटा का लोगो है। 5 स्टड्स के साथ ये टायर ऑफर किया जाता है। बात करें टायर फाइल के बारे में तो 205/65R16 का इसमें आपको टायर देखने को मिल जाएगा, और डोर हैंडल्स आपको वही बॉडी कलर मिल जाते हैं। नीचे की साइड में आपको फुट पैडल ऑफर किया गया है, जिससे कि हम आप आसानी से इसमें एंट्री और एग्जिट कर पाएँ। और गाड़ी की छत पर कोई भी आपको रूफ रेल्स वगैरह ऑफर नहीं की गई हैं। इसमें आपको सिर्फ शार्क फिन एंटीना तो जरूर मिल जाता है, बाकी कोई रूफ रेल्स वगैरह आपको नहीं मिलती। बात कर रहे हैं पिलर वगैरह के बारे में तो ए पिलर आपको बॉडी कलर मिलता है, बाकी बी पिलर आपको रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है, और सी पिलर आपको, इसमें तो सी पिलर दिख ही नहीं रहा भाई, यहाँ पे तो पूरा ये वाला मिरर अटैच हो गया, यहाँ से ये वाला मिरर अटैच हो गया, इसमें सी पिलर विजिबल हो ही नहीं रहा। सी पिलर हम इसको मान सकते हैं जो कि बॉडी कलर्ड है। अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो रियर में सबसे पहले मैं आपको बता ही दिया कि इसमें हमें शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, उसके नीचे हमें स्पॉइलर मिलता है, उस पर हमें हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, बाकी जो टेल लैंप है वो हमें हैलोजन के साथ ही ऑफर की गई है, कुछ यहाँ पर दी गई है, और एक बूट पर भी आपको टेल लैंप मिल जाती है। रिवर्स लाइट आपको यहाँ मिलेगी और टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलेगा। 2.4G की इसमें आपको बैजिंग मिल जाएगी, वैसे GX है बट इसमें बैजिंग जो मिलेगी वो आपको G की ही मिलेगी ओनली। और यहाँ पर आपको सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाता है। और बात करें रियर विंडशील्ड की तो इस पर आपको डिफोगर वगैरह नहीं मिलता, हालांकि इसमें आपको वाइपर और वॉशर ज़रूर मिल जाता है। यहाँ की साइड में आपको इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग मिल जाएगी, और नीचे की साइड में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और ये जो आपको ये दिख रहा है बम्पर गार्ड, ये अलग से एक्सेसरी में लगवाया गया है, और ये कई जगह पर बैन भी है इसको लगवाना, जैसे कि दिल्ली NCR वगैरह में इसको बैन भी है, बट कई जगह मतलब इसको अलाउ भी कर देते हैं। तो भाई ये आप अपने रिस्क पे लगवाना, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें ये बम्पर गार्ड लगवाएं। और नीचे की साइड में आपको यहाँ पर
रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, जो कि बम्पर गार्ड के नीचे है। जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पर नीचे की साइड मिलता है, ये आपको वही 16 इंच का मिलेगा, बट स्टील रिम के साथ ऑफर किया गया है। तो ये है ओवरऑल इसकी बैक प्रोफाइल। और भाई एक अच्छी चीज़ मैं आपको इसमें ये दिखा देता हूँ, इसके वाइपर देख रहे हो आप, ये देखो ये बैंड हो गए। तो ये ना जो इसकी विंडशील्ड है इसके हिसाब से एडजस्ट होके ना तब ये वाइपर चलते हैं, और काफ़ी प्यारे लगते हैं, और मतलब बहुत बढ़िया तरीके से विंडशील्ड की सफाई करते हैं। तो भाई ये वाले वाइपर है ना मैंने टोयोटा की गाड़ियों में ही देखे, और किसी गाड़ी में मैंने अब तक नहीं देखे। आप देख सकते हैं बैंड हो गया है, क्योंकि इसकी विंडशील्ड के हिसाब से ये इस मतलब इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है ये वाइपर। बात करें इसके रियर में बूट के बारे में, तो बूट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है इसके बूट को ओपन करने के लिए, और बाकी बूट को क्लोज करने के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया गया है। और यह है इसका बूट स्पेस, 300 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 7 सीटर गाड़ी होते हुए भी इसमें इतना सारा बूट स्पेस मिलना काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बढ़िया है। बाकी ये वाली सीटें जो 50-50 फोल्डेबल मिल जाती हैं, और ये 100% फोल्ड होने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस निकल के आता है। ये वाला जो हैंड रेस्ट है ये यहाँ पर लगाया जाता है, वैसे इसको मैक्सिमम हटा के ही रखा जाता है, जब पीछे 3 बंदे बैठते हैं उस टाइम ही इसको लगाना चाहिए, क्योंकि ना ये जो जब ये वाला हैंड रेस्ट यहाँ लगा देते ना तो जो इसका IRVM की विजिबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन मतलब ख़त्म सी हो जाती है। यहाँ पर एक बूट लैंप भी ऑफर किया गया है, ये देख सकते हैं, और जो सेंटर में जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए सीट बेल्ट जो दी गई है वो यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से सेंटर वाले पैसेंजर के लिए भी आपको इसमें सीट बेल्ट मिल जाती है, मतलब इसमें 7 आदमी बैठेंगे तो 7 के 7 आदमियों के लिए आपको इसमें सीट बेल्ट ऑफर की गई है, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगी पर्सनली। बाकी जो थर्ड रो वाली सीट है इनको फोल्ड करके मैं आपको इसकी स्पेस और दिखा देता हूँ कि थर्ड रो को फोल्ड करने के बाद इसमें कितना स्पेस निकल के आता है। तो भाई थर्ड रो को फोल्ड करने के बाद कुछ इस प्रकार का स्पेस निकल के आता है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा कमरा टाइप का ही बन गया, इतना बड़ा स्पेस निकल के आया है। जो थर्ड रो की सीट है वो कुछ इस प्रकार से फोल्ड हो जाती है, और इसमें इनमें हैंग हो जाती है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। अगर आपका यूज नहीं है थर्ड रो का तो आप इनको फोल्ड करके रख सकते हैं, और कितना भी सामान आप कैरी कर सकते हैं। तो ये था इसका बूट स्पेस, और अब चलते हैं हम इसके इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट डोर की तरफ। तो फ्रंट डोर पे वैसे हमें कोई रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर नहीं किया गया, क्योंकि इसमें हमें जो की मिलती है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है, इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इसके डोर के बारे में। तो ऑल ब्लैक थीम के साथ इसका इंटीरियर है जो पूरा, वो हमें ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं दिया गया, हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। और जो ग्रैब हैंडल है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। और जो इसका डोर हैंडल है वो यहाँ पर क्रोम फिनिश के साथ ऑफर किया गया है। दिस व्हीकल हैज़ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर सिस्टम, मतलब इसमें DF वगैरह डलता है, तो इसका यहाँ पर ये स्टिकर लगा के दिया गया है। बाकी ऑल 4 पावर विंडो मिल जाती है, ड्राइवर साइड वाली ऑटो अप एंड डाउन के साथ मिल जाती है, मिरर लॉक करने का स्विच और डोर लॉक अनलॉक करने का स्विच मिल जाता है, और मिरर फोल्ड अनफोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का स्विच आपको इसमें मिल जाता है। नीचे एक साइड में थोड़ा सा स्पेस मिलता है डॉक्यूमेंट रखने का, और एक बोतल होल्डर आपको इसमें मिल जाता है। बात करते हैं अब इसके सीट के बारे में। वैसे तो इसमें जो सीट है वो फैब्रिक अपोस्ट्री के साथ ऑफर की गई है, बट अभी इसमें सीट कवर लगा दिए गए हैं जो कि लेदर हेड के साथ ऑफर लगवाए गए हैं। और इन सीट की बात करें क्वालिटी की तो काफ़ी डिसेंट है, रेड स्टिचिंग के साथ ये सीट कवर लगवाए गए हैं। बात करें इनके प्राइस के बारे में तो ये सीट कवर है जो ये 11,000 रुपये के आसपास की प्राइस के साथ ये इसमें लगाए गए हैं, और इन सीट को आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी रिक्लाइन एंगल वगैरह पर भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके चाबी के बारे में। तो भाई चाबी है जो आपको कुछ इस प्रकार से मिलती है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का इंसर्ट देखने को मिलेगा, लॉक अनलॉक करने का स्विच मिल जाता है, और ये फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। और भाई जो चाबी है ना ये आपको कंप्यूटराइज्ड वाली मिलती है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर साइड में ये दांते नहीं कटे हुए, ये बीच में इस प्रकार से कटे हुए हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर वाली चाबी है। और पीछे की साइड में टोयोटा का लोगो मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ओवरऑल जो इसकी चाबी है ये वाली मिल जाती है, और यहाँ पर हमें एक कप होल्डर मिल जाता है, एक इस साइड और एक उस साइड। तो इस कप होल्डर का फ़ायदा यह है कि AC वेंट्स के बिल्कुल सामने है, कोई कप वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखेंगे तो AC वेंट के साथ साथ वो अपना टेम्परेचर बना के रखेगी। बात करें इसके स्टेयरिंग के बारे में, तो इसमें हमें राउंड शेप में स्टेयरिंग ऑफर की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, सेंटर में टोयोटा का लोगो है, और इस साइड में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन देखने को मिलेंगे, नीचे की साइड में कॉल पिक एंड ड्रॉप के बटन मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमें डिस्प्ले का बटन मिल जाता है, मतलब डिस्प्ले में जो हमें चेंज करने हैं वो इस बटन से हम कर पाएंगे। बाकी एयरबैग की बात करें तो इसमें हमें 3 एयरबैग मिल जाते हैं। तो भाई नॉर्मली गाड़ियों में
दो एयरबैग होते हैं, चार एयरबैग होते हैं और छह एयरबैग होते हैं, तो लेकिन हमें इसमें तीन एयरबैग मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एयरबैग यहाँ दिया गया है स्टेयरिंग में, एक एयरबैग दिया गया है हमें इसके डैशबोर्ड पर, और एक एयरबैग पता कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है यहाँ पर एयरबैग। तो ये एयरबैग है जो ये है इसका नी एयरबैग, मतलब कल को गाड़ी अगर कोलिजन होती है तो इसके जो ये वाला एयरबैग खुल जाएगा और हमारी जो लेग है और घुटने वगैरह हैं ये सेफ रहने वाले हैं। तो इस गाड़ी में हमें तीन एयरबैग ऑफर किए गए हैं। स्टेयरिंग के इस साइड में हमें वाइपर के स्टॉक्स मिल जाते हैं और इस साइड में हमें हेडलाइट के स्टॉक्स मिल जाते हैं, और स्टेयरिंग हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर के साथ ऑफर की गई है वगैरह की बात। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो फुल्ली एनालॉग इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। 6000 आरपीएम का इसमें आरपीएम मीटर मिलता है और 200 की स्पीड का इसमें हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है। बाकी टेम्परेचर और फ्यूल मीटर इसमें हमें ऑफर किया गया है। और अब बात करते हैं इसकी MID के बारे में। छोटी सी MID दी गई है बीच में, जिसमें कि अभी ऑन करने पे इनोवा लिखा हुआ आ रहा है, और एक डोर खुला हुआ है जिसका हमें साइन देखने को मिल रहा है। अभी मैंने डोर बंद कर दिया है और अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो भाई बाहर का टेम्परेचर वगैरह अभी दिखा रहा है, 34 डिग्री अभी टेम्परेचर हो रखा है बाहर का। और इस साइड में हमें टेम्परेचर मीटर मिलता है और इस साइड में हमें फ्यूल मीटर देखने को मिल जाता है। और बाकी इको मोड की अभी लाइट जली हुई है, मतलब इसमें हमें पावर बोर्ड भी मिल जाता है, जो कि इसका बटन यहाँ पर दिया गया है इको मोड और पावर मोड। अभी मैं पावर मोड को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं पावर मोड की लाइट जल गई है, मतलब अभी ये पावर मोड में आ गई है। तो इसमें हमें पावर मोड भी ऑफर किए गए हैं। तो ये थे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब बात कर लेते हैं इस साइड के डैशबोर्ड के। तो सबसे ऊपर भाई देख सकते हैं टाइम का मतलब वॉच दी गई है, और यहाँ पर हजार लैंप का स्विच मिल जाता है जो कि पूरा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर किया गया है। और नीचे की बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें हमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है, जिसमें हम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सब सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें रियर कैमरा ऑफर नहीं किया गया है, वरना अगर रियर कैमरा होता तो वो भी इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया निकल के आती। बाकी यहाँ पर आपको मैनुअल बटन भी ऑफर किए गए हैं डिस्प्ले के साथ साथ, और नीचे की साइड में आपको मैनुअल AC ऑफर कर दी गई है। इसमें हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर नहीं किया गया है। बस एक छोटी सी कमी ये लगती है भाई, 25 लाख रुपए की गाड़ी में कम से कम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो ऑफर कर देते। एक बलेनो जो कि 6-6.5 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आने लग गया है, और लेकिन हमें इतनी महंगी गाड़ी में मैनुअल AC ऑफर की गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा साटन सिल्वर फिनिश के देखने को मिल जाएगी। और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं पैसेंजर एयरबैग की लाइट अभी ऑन है, मतलब पैसेंजर एयरबैग को भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इको मोड, पावर मोड, और यह है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन ऑफ करने का स्विच। और यहाँ पर बात करें तो भाई काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पर हम अपना मोबाइल वगैरह काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। बात करें गियर के बारे में तो 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ऑफर किया गया है। इस पर कोई भी हमें क्रोम का काम देखने को नहीं मिलेगा, रफ ब्लैकआउट के साथ ही ये गियर बॉक्स ऑफर किया गया है। डीजल के साथ है, पावर वगैरह काफ़ी अच्छी है। अभी मैं इस गाड़ी को ड्राइव करके भी दिखाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि इसकी पावर वगैरह कैसी है और क्या थोड़ी बहुत कमियां हैं या अच्छा है, वो सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा जब इसको ड्राइव करूंगा अभी। और यहां भी आपको साटन सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। और बात करें यहाँ की तो एक आपको यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाता है, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाती है जो कि मैनुअली है, और आपको इसमें आर्म रेस्ट भी ऑफर किया गया है। आर्म रेस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर एक USB का सॉकेट मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस है कॉइन वगैरह रखने के लिए। और भाई ये है इसका पूरा कमरा, आप देख सकते हो कितना सारा स्पेस है इसमें, आप कुछ भी रख लो भाई, बहुत सारा सामान रख सकते हैं आराम से, और पूरा बढ़िया सा आर्म रेस्ट के नीचे स्पेस दिया गया है। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। तो डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, बढ़िया AC वेंट्स की प्लेसमेंट भी काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ से इसका ग्लव बॉक्स हमें ऑफर किया गया है। यह है इसका एक ग्लव बॉक्स, इसमें दो ग्लव बॉक्स ऑफर किए गए हैं नॉर्मली, एक तो ये है। तो ये वाला जो ग्लव बॉक्स है ये हमें कूल्ड मिल जाता है, इसमें हम अपने पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। और एक ग्लव बॉक्स हमें यहाँ पर ऑफर किया गया है जो कि कुछ इस प्रकार से ये मिल जाता है, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हम इसको लॉक भी कर सकते हैं चाबी से, इसमें लॉक का सिस्टम भी दिया गया है। बात कर लेते हैं रूफ के बारे में। तो भाई यहाँ पर इसकी लाइटें मिल जाती हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि हेलोजनी है, और यह है इसका लाइटों को ऑन ऑफ करने का स्विच। और यहाँ पर हमें एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है। बात करें सनवाइजर की तो सनवाइजर पर हमें वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है पैसेंजर वाले पे, और ड्राइवर वाले पे प्लेन सनवाइजर मिल जाता है, और जो इसका टिकट होल्डर है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया टिकट होल्डर। और यहाँ पर भी आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं जो कि मैं अभी पीछे जाके दिखाऊंगा। ग्रैब हैंडल्स आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जैसे छोड़ते हैं अपने पोजिशन पर चले जाते हैं, देख सकते हैं। ये है इसका ब्लूटूथ माइक, जो कि हमें नॉर्मली अदर गाड़ियों में यहाँ पर अलग से मिलता है ना, तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है ब्लूटूथ माइक को ढूंढने में, तो ब्लूटूथ माइक यहाँ पर दिया गया है।
तो ये हो इसके ओवरऑल फ्रंट की डैशबोर्ड वगैरह का पूरी बात। और एक चीज अच्छी जो मैं आपको इसमें बता देता हूँ वो है इसकी सीट बेल्ट के बारे में। तो भाई सीट बेल्ट भी आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट बेल्ट आप देख सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी सीट बेल्ट को आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया इसका फ्रंट ओवरऑल इंटीरियर का। अब चलते हैं इसके बैक साइड में। तो ये है इसका रियर गेट, रियर गेट भी आपको वही पूरा ब्लैकआउट के साथ ऑफर किया गया है। यहाँ पर इसका ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ पर पावर विंडो का सॉकेट और यहाँ पर इसका डोर हैंडल मिल जाता है जो कि क्रोम की फिनिशिंग के साथ है। नीचे की साइड में अच्छा खासा डॉक्यूमेंट रखने का स्पेस और बोतल होल्डर मिल जाता है और नीचे की साइड में आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और यह है इसकी रियर वाली सीट, रियर वाली सीट भी आपको कैप्टन सीट ऑफर की गई है। आप देख सकते हैं इसमें आपको हैंडरेस्ट वगैरह भी ऑफर कर दिए गए हैं। तो जो सेकंड रोड वाली सीट है वो आपको मैं बैठ के बताऊंगा। रियर में भी चढ़ने के लिए हमें फुटरेस्ट ऑफर किया गया है। तो ये हो गई इसकी सीट वगैरह। तो भाई मैं आ गया हूँ इसकी सेकंड रो पे और सेकंड रो की सीट भी आपको कैप्टन मिलने वाली है। बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। इन सीट को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं आप देख सकते हैं, और रिक्लाइन एंगल पर भी हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर हमें इसका आर्मरेस्ट मिल जाता है, हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। एक साइड में हमें गर्मी ना लगे इसके लिए हमें यहाँ पर एसी के वेंट्स दिए गए हैं जिनको हम अपने हिसाब से लो और हाई कर सकते हैं रियर के लिए। ठीक है, एसी वेंट्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं ना कि नीचे की साइड में। नीचे की साइड में हमें एक टॉयलेट का चार्जिंग सॉकेट ऑफर किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ भी एक टॉयलेट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और यूएसबी पोर्ट है जो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सेकेंड रो की सीट पर हमें ये आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है कुछ इस प्रकार से। दोनों ही सीट पर कैप्टन सीट है और यहाँ पर हमें दो कप होल्डर कुछ इस प्रकार से मिल जाते हैं। बाकी यहाँ भी स्पेस दिया गया है काफ़ी। और पीछे की साइड से मैंने आपको बता ही दिया था कि यह है इसकी रियर सीट जो कि फोल्ड करके दिखाई थी। तो रियर में तो इसमें एक अकेली गाड़ी ये ऐसी है जिसमें हम बड़े आदमी रियर में बैठ सकते हैं और वो परेशान ना हो। तो रियर में भी काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बोतल होल्डर वगैरह मिल जाता है देखने को और ये थोड़ा सा स्पेस वगैरह है। और यहाँ भी हमें ग्रैब हैंडल मिल जाता है और एसी के वेंट रियर में भी यहाँ पर भी मिल जाते हैं। दो वेंट मिलते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो भाई ये हुई इसकी पूरी इंटीरियर की बात। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। तो भाई ओवरऑल मैंने आपको इसका एक्सटीरियर इंटीरियर दिखा दिया है, अब मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। तो भाई मैंने अभी इसका इंजन ओपन किया है और इसका बोनट मेरे हाथ में ही, अभी मैंने इसको मतलब स्टिक नहीं किया है। और बोनट भाई रियल में बहुत भारी है, एक हाथ से पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है, इतना भारी बोनट है। इस पर हमें इंसुलेशन वगैरह दिया गया है, बाकी बोनट पर हमें कोई हाइड्रोलिक्स वगैरह तो ऑफर नहीं किए गए, इस प्रकार से हमें इसको स्टिक करना ही पड़ेगा। बाकी इंजन की बात करें तो ये है इसका 2.4 लीटर का डीजल इंजन। आप देख सकते हैं भाई गाड़ी में स्पेस तो कहीं दिखता ही नहीं है, बीच में जैसे कि मारुति वगैरह गाड़ियों में दिखता है, पूरा भरा हुआ है। बात करें इसके पावर वगैरह के बारे में, तो इंजन की जो पावर है वो प्रोड्यूस करती है ये, इसके 148 bhp की ये पावर प्रोड्यूस करती है, वहीं 343 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करती है। वहीं अगर पावर मोड लगा दे तो भाई फिर तो इसका कहना है क्या, डीजल का रॉकेट है तो भाई बिल्कुल। तो ये हुई इसके इंजन की बात। तो भाई ओवरऑल जो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का पूरा रिव्यू था वो मैंने आपको करके बता दिया है। अब मैं चलता हूँ इसका ड्राइव करने के लिए और ड्राइव करके भी मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी कैसी है। तो भाई ये है इनोवा क्रिस्टा 2.4 लीटर और आज हम ड्राइव कर रहे हैं इनोवा क्रिस्टा को। डीजल वेरिएंट है ये और पिकअप काफ़ी बढ़िया है। बस यार थोड़ी सी ना आवाज़ करता है यार अंदर केबिन में, आवाज़ थोड़ी सी आती है, लेकिन ऊंचा गियर लगाने के बाद, टॉप गियर लगाने के बाद ये आवाज़ भी ख़त्म हो गई है। छोटे गियरों में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बट भाई कंफर्ट वगैरह सीट में एकदम फिट होकर बैठा हुआ, हाँ कंफर्ट के मामले में मानना पड़ेगा। तो भाई अभी मैंने आपको इसका ड्राइव रिव्यू भी करके बता दिया है, थोड़ी बहुत ही चले ही, बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं की है। तो थोड़ा बहुत जो इसका कंसर्न था वो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि गियर थोड़ा सा वाइब्रेशन वगैरह करता है, थोड़ी सी इंजन की साउंड अंदर आती है। तो भाई ऑब्वियसली 2400 cc का इंजन है, थोड़ा सा जो इंसुलेशन वगैरह की थोड़ी कमी है उसकी वजह से थोड़ा सा इंजन नॉइस केबिन के अंदर आती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनोवा क्रिस्टा का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी अगली गाड़ी के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें। धन्यवाद दोस्तों।